हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A23 में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन के डायलर में चले जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी 3 डॉट्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगी रिकॉर्ड कॉल्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड देन अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। और दोस्तों आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ से इसे ऑन कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो सेकेंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर्स, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप किसी नंबर को चूज़ करके कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड वाली ऑप्शन कॉल्स विद स्पेसिफिक नंबर पे जो है सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से आपको जो है नंबर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। अगर आपको कॉल हिस्ट्री में से नंबर ऐड करना है तो यहाँ पे रिसेंट्स भी ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट्स में से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप खुद डायल करके कुछ नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्लस वाले आइकन से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल कॉल्स को सिलेक्ट कर लेना है।